सर्वे आखिर रिपोर्ट आ ही गया। नहीं ना, मैंने तो कहा ही था नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी दे। बस जातीय उन्माद फैलाना, लालू जी का ये आदत रहा है जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है, आया है अच्छा रिपोर्ट, अब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखेगा। भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई हिंदुत्व जात, हम लोग कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते, हम विकास पर लड़ते हैं, आगे भी विकास पर चुनाव लड़ेंगे। ईबीसी ओबीसी जो आया है फैक्टर, कहीं ये मंडल कमीशन का जवाब तो नहीं देने के लिए? अरे मंडल कमीशन लागू किसने किया था? भाजपा के कृपा से लागू हुआ था मंडल कमीशन। फिर एकदम खोल कर कान सुन कर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने 82 सांसद ने समर्थन दिया, तब मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया, और हमारे ही समर्थन से इस जातीय सर्वेक्षण का काम शुरुआत हुआ। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए, मंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और कमंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। क्या लगता है इसका फायदा नीतीश जी उठा पाएंगे? नहीं नहीं, नीतीश जी जीरो पे हैं। नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलना है, राजनीतिक तौर पर एबॉलिश हो चुके हैं, नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। लालू जी लेकिन जादव जाति का है, बहुत ज्यादा फैक्टर सामने आया है, तो वो तो 90 से कहते आए हैं, वो तो 90 से अपनी बात रखते आए हैं, इसलिए कोई नया लालू जी ने कोई बात रखा ही नहीं है। और लालू जी सब दिन उसी अंदाज में रहे हैं, 90 में जो बात वो कहे हैं वो आज भी कहते हैं। क्या लग रहा है कि इस रिपोर्ट का किसको ज्यादा फायदा दिखता है आपके नजर में? देखिए, विकास जो करेगा उसको फायदा होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास किया है, इसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। यह दो फैक्टर है, एक MOI समीकरण, एक हिंदू। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक एजेंडे पे चलती है, उसका काम है विकास, विकास और विकास। क्या लग रहा है कि ये पूरा सर्वे आ पाएगा कि ये सिर्फ दिखावे के लिए सिंबॉलिक? नहीं, इसको पूर्ण करना चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से फिर मांग करता हूँ कि आप पूरे सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द पूरा कराए।